तो अपनी अपनी जगह से सब हाथ उठाकर पीछे तक सब कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा, बड़कल विधानसभा से चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विजय प्रताप जी से कि वो आए और अपना संबोधन देकर हमें कृतार्थ करें। भाई विजय प्रताप जी, नहीं, आज की जनाक्रोश रैली के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, आदरणीय सम्मानित मंच, समय की सीमा है, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे साथियों, छायाकार और प्रेस बंधु, सबसे पहले तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और आए हुए तमाम अतिथियों का फरीदाबाद में आने में स्वागत करता हूं। हालांकि बाहर से आए अतिथियों को असुविधा भी बहुत हुई होगी, मैं देख रहा हूं आज शहर के जो हालात है आप सब देख रहे हैं, आवागमन तक मुश्किल हो गया। शहर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए दो दो घंटे लगते हैं। केंद्र की चाहे मोदी सरकार हो चाहे हरियाणा की खट्टर सरकार हो, इन्होंने देश को कर्जे में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में झोंक दिया है। जहां एक तरफ मनमोहन सिंह के समय 55 लाख करोड़ कर्जा था देश का, आज मोदी साहब के समय 205 लाख करोड़ है, चार गुना कर दिया है। खट्टर साहब ने 65,000 करोड़ से ले जाकर 4 लाख करोड़ कर दिया। तो सारा देश और प्रदेश क्षेत्र बदहाली में, मैं फरीदाबाद की बात करूं तो 10-10 साल से पुल नहीं पूरे हो रहे हैं, पूरा शहर कचड़ों के ढेर में तब्दील है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, रोजगार कोई नहीं दिया जा रहा है। जो मदर यूनिट आदरणीय हुड्डा साहब ने लगाई थी IMT, आज तक वो भी इन पर पूरी नहीं हो पाई है, कोई मदर यूनिट यहां इंडस्ट्री की नहीं आ पाई है। और कचरा जो प्रबंधन बंदवाड़ी था वो आज 50 गांवों को कैंसर फैला रहा, इतनी अनियमितता वहां बढ़ती जा रही। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक दौर था जब 2004 से लेकर और 2015 तक 14 तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, तब इस प्रदेश का और इस फरीदाबाद का सबसे ज्यादा विकास हुआ। मुझे याद है कि एग्जाम्पल 450 करोड़ का चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे, उन्होंने हुड्डा साहब से आग्रह किया और 450 करोड़ का रैनी वेल का जो प्रोजेक्ट है आदरणीय हुड्डा साहब ने अप्रूव किया, लेकिन आज भी उस रैनी वेल का पानी पूरे शहर तक ये भाजपा सरकार 10 साल में नहीं पहुंचा पाई है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने जब मना कर दिया पैसा देने से तो 2,500 करोड़ हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देगा लेकिन फरीदाबाद में मेट्रो आएगी, और बल्लभगढ़ तक मेट्रो आई, मोदी जी आए थे बोले पलवल तक ले जाऊंगा, आज तक एक पिलर नहीं लगाया। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर प्रदेश को वापस एक नंबर पर पहुंचाना है, इस फरीदाबाद को जो सन 80 में 90 में पूरे NCR में सबसे पहले ऊपर पायदान पे माना जाता था, कोई आदमी बाहर से आता था कि NCR में रहने जाएंगे तो कहां फरीदाबाद, आज सबसे निचले पायदान में है। वापस इस प्रदेश को, इस फरीदाबाद को ऊपर ले जाना चाहते हो तो एक ही उम्मीद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको मजबूत करना है, और जो उनकी टीम है, जो उनके सिपाही है, जिसके लिए वो आदेश कर दें, हम सब लोग उन्हीं के साथ आदेश से खड़े रहें, अपने नेता को मजबूत करें, ऐसा हम यहां संकल्प लेते हैं। आप सब तैयार हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में, क्योंकि समय की सीमा, सभी का नाम नहीं ले पाया, और भाई ललित नागर जी का विशेष आभार करता हूं, उन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा ओल्ड फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े भाई लखन सिंगला जी से कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें, अतिथियों का नाम लेकर सम्मानित मंच कहकर अपनी बात शुरू करेंगे भाई लखन सिंगला जी। हरियाणा की आन वान शान, छत्तीस बिरादरी के एक मात्र नेता, 2024 के भावी CM परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष
मेरे बड़े भाई चौधरी उदयवान जी, हमारे जिले के प्रभारी नू से विधायक बड़े भाई अफ्ताब अहमद जी, मंच पर आसीन सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, और इस विशाल आयोजन के आयोजक मेरे बड़े भाई ललित नागर जी, और इस रैली के अंदर आए युवा, नौजवान साथी, बुजुर्गों, सारे फरीदाबाद विधानसभा की तिगाम की सरदारी, मैं आपके बीच में सिर्फ दो ही मिनट लूंगा, क्योंकि आप लोग सीएम साहब को सुनने आए हैं, अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। कभी सपने में भी सोचा था कि हम मेट्रो में सफर करेंगे? सोचा था? हाथ उठा के बताओ एक बार, किसने देन? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। फरीदाबाद में मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, गुड़गांव सिक्स लाइन बाईपास हो, कैली बाईपास हो, या ग्रेटर फरीदाबाद हो, रैनीवल की मीठे पानी की योजना हो, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। 9.5 साल की भाजपा सरकार के अंदर 1 इंच जमीन भी किसी सामाजिक धार्मिक संस्था को दी गई हो तो बताओ। फरीदाबाद के अंदर पंजाबी समाज को 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड सेक्टर 16 में किसने दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन हो, किसान भवन हो, गुजर भवन हो, सेक्टर 3 में दलित भवन हो, जाट भवन हो, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन हो, किसकी देन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब फरीदाबाद आए थे तो ये कहकर गए थे कि पल्लमगढ़ से पलवल तक मेट्रो पहुंचाई जाएगी। 9.5 साल हो गए, जा हुड्डा साहब आपने पोल छोड़ा था मेट्रो का वही है। 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बना दो, इनकी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है, ये सीएम बनेंगे और बल्लमगढ़ से होटल तक मेट्रो पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9.5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या आया? कोई पुल आया? स्टेडियम आया? कोई ट्रांसपोर्ट नगर आया? कोई एयरपोर्ट आया? कोई स्कूल अपग्रेड हुआ? कुछ नहीं आया। हुड्डा साहब आप सीएम बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, 70 से 75 सीट हमारी आएंगी। मैं आप लोगों से एक अपील और करूंगा, हमारी लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, आप लोग भाई भतीजा चाचा ताऊ मामा फूफा रिश्तेदार परिवार, आपके यार दोस्त, जो भी पूरी लोकसभा में या बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हो, 2024 के चुनाव में झोली फैलाकर भीख मांगे और कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताने का काम करें, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बने। इसी के साथ मैं मंच पर आसीन मुख्य अतिथि भावी मुख्यमंत्री हुड्डा जी का धन्यवाद करूंगा, ललित भाई का धन्यवाद करूंगा और अपना स्थान लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोलो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरा निवेदन है, जो लोग पंडाल से बाहर खड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी साथी पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारे हरियाणा के युवाओं के दिल की धड़कन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। साथियों, हमारे बीच में सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं, बहुत बड़े काफिले के साथ भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं सेवा दल के कार्यकर्ताओं से, भाइयों से, कि कृपया मंच की व्यवस्था को बनाने में मदद करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मंच पर पहुंचेंगे तो कितने साथी ऊपर आएंगे? युवक कांग्रेस, NSUI और सेवा दल के साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। ये तो भाई प्रेस और मीडिया के साथी हमारे बीच में पहुंचे,
उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ट्रैक्टर पर बैठकर हजारों हजार के काफिले के साथ आतिगांव क्षेत्र की धरती पर पहुंचे। मेरा निवेदन है सभी साथियों से, कृपया व्यवस्था को बनाने में भी हमारी मदद करें। भाई ललित नागर जी खुद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मंच की तरफ आ रहे हैं। साथियों, जो भाई पंडाल से बाहर है, मेरा निवेदन है कृपया पंडाल से अंदर आने की कृपा करें।
हाँ ना, आवाज उठा भाई सीधा से। कहा है कि अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, तुम्हें पलकों पर बिठाने वाले हम ही होंगे। दौलत तो हर कोई बेताब है तुम पर लुटाने के लिए, लेकिन जान लुटाने वाले हम ही होंगे, जान लुटाने वाले हम ही होंगे। सुंदर स्वागत गीत आपके बीच में, माननीय हुड्डा जी के स्वागत सम्मान में किस तरह से
बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रणाम करनी है स्वराज जी बादशाहपुर से, तो उनकी तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार आया है, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। और माननीय बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, एक कली इस भजन में इस गाने में हमने उनके लिए भी जोड़ी है, किस तरह से आइए प्यार का ईमानदारी के प्रतीक, जन जन के नेता और हमारे सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही संघर्षशील और कर्मठ नेता चौधरी उदयवाहन जी, मंच पर बैठे हुए हमारे युवा दलों की धड़कन, हरियाणा ही नहीं पूरे देश के युवा जिनके पीछे हैं, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे आफताब अहमद जी, राव दान सिंह जी, नीरज शर्मा जी, हमारे बहन शारदा राठौर जी, लखन सिंगला जी, विजय प्रताप जी, इस शानदार प्रोग्राम के बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही कर्मठ हमारे साथी भाई ललित नागर जी, सम्मानित मंच, आज सबसे पहले तो मैं अपने सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, अपने प्रधान जी का, अपने सांसद जी का, अपने फरीदाबाद में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद में कांग्रेस बहुत मजबूत है। सभी आपके साथ जिम्मेदार जितने भी पार्टी के, जितने भी जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब हुड्डा साहब और हमारे प्रधान चौधरी उदयवान जी और भाई सांसद जा के साथ हैं, जहां भी जाते हैं हर जगह केवल आपके नाम की कहते हैं कि आने वाली सरकार हुड्डा साहब की सरकार होगी। जो पहले फकीराबाद बना दिया था उसको फरीदाबाद का नाम देने का सारा काम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के 10 साल का कार्यकाल था। समय की नजाकत को देखते हुए मैं उन सारे कामों को नहीं गिनवाना चाहूंगा, केवल ये बताना चाहता हूं ये सरमाएदारों की पार्टी है भाजपा। जितना उनका टोटली देश के हजारों करोड़ का सरमाएदारों का कर्जा माफ करने का काम किया है, उतना पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाता, लेकिन ना कहीं 2022 में किसानों की आमदनी दुगने की बात करनी थी, जो भी बात करी उनसे सबसे मुकर गए हैं, वो आपके सामने हैं। और आज अभी मैं भी जो लेट आया हूं उसका कारण है, आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो आज के हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एक साल पहले पिथला के पनेरा खुर्द में बहुत बड़ी
जहां भंडारा था महाराज जी ने किया था, वहां जो हमारे मोहना में जो देवा एयरपोर्ट है वहां का जो रास्ता जाता है, जो उतार चढ़ाव के लिए 4 महीने से धरना चला हुआ है, आज वहां बहुत बड़ी महापंचायत थी, वहीं से उनके बीच में ही मैं उनसे निवेदन करके आया हूं और उनसे वादा भी किया है कि हमारे, क्योंकि पहले भी उस धरने में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वहां पहले पंचायत हुई थी उसमें खुद सटीक हुए थे और सांसद जी वादा भी करके आए थे जब भी हमारी सरकार आएगी अगर इन्होंने नहीं बनाया तो इस उतार चढ़ाव को बनाने का काम करेंगे। इसी तरह हमारे हाईवे पे बघोला में जो पुल बन रहा है, केवल जो जेवली के लिए रास्ता जाता है उस पथ पर नहीं, जहाँ जरूरत है सड़क जा रही है 20 गांवों के लिए, वहां नहीं केवल एक फैक्ट्री वाले के लिए आगे पुल को बढ़ाने का काम किया है। ये सरमाएदारों की पार्टी है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस पार्टी 36 बराबरी की पार्टी है और आपने आज इतनी बड़ी संख्या में खराब मौसम के होते हुए भाई ललित नागर के छोटे से बुलावे पर इतनी जनसंख्या में यहाँ आपने पहुंचकर हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, ललित नागर बहुत ही संघर्षशील और कर्मठ नेता है। पहले भी हमेशा उन्होंने जब भी विधायक रहे थे सरकार नहीं थी, लेकिन आपके सारे मुद्दे में उठाने का काम किया। उससे पहले हुड्डा साहब की सरकार में खुद हुड्डा साहब का आशीर्वाद था, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से चाहे तिगाम क्षेत्र में रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, उन्होंने कहीं पीछे नहीं रहने दिया। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आने वाले समय में ललित नागर को तिगाम से विधायक बनाकर भेजें। राम राम जी। मैं निवेदन करूंगा, बल्लभगढ़ से विधायिका रही और हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रही बहन कुमारी शारदा राठौर जी से, कि वो आए और मुख्य अतिथियों का संबोधन कर सम्मानित मंच कहकर अपनी बात शुरू करें। बहन शारदा राठौर जी, बहुत ही सम्माननीय जन जन के प्रिय नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी प्रधान भाई चौधरी उदयभान जी और हम सबके प्यारे दुलारे हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाश के चमकते सितारे हमारे भाई मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे, जगह जगह कॉलोनियों से तिगांव क्षेत्र से आए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, पिछले 9.5 सालों से हरियाणा की जनता झूठ की और लूट की राजनीति देख रही है। जो बड़े बड़े वायदे 2014 और 2019 में किए गए वो वायदे तो पूरे नहीं किए, लेकिन जनता को खून के आंसू रुलाने का काम इस खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है। आज चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनके कामकाज से खुश है। आज लोगों को लाइन में लगा दिया है, पहले नोटबंदी की लाइन में लगाया, फिर जीएसटी ठीक कराने की लाइन में सारे व्यापारी दुकानदार सारे हमारे व्यापारी भाई लगे, और अब कहीं तो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, राशन पूरा नहीं मिलता है, कहीं आपको आपका परिवार पहचान पत्र के लिए लाइन में लगना पड़ता है, बिना पैसे के ठीक नहीं होता, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लाइन में लगना पड़ता है बिना पैसे के ठीक नहीं होता, कहीं आपको आपका बिजली का बिल ठीक कराने के लिए लगना पड़ता है, कहीं कुछ भी ठीक नहीं होता। हमारी बहनें जो सरसों का तेल 80 रुपए किलो होता था आज 200 रुपए किलो है कि नहीं, आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई रोटी कपड़ा मकान 2 वक्त की गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अपराध से, बेरोजगारी से, यहाँ के लूटपाट से
जनता त्रस्त हो चुकी है। अब तो सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ, चौधरी उदयभान जी की तरफ, और जो पूरे हरियाणा में जनता की उम्मीदों की किरण बनकर निकले हैं, एक जागृति की अलख जगा रहे हैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ। लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, और जो 9.5 सालों से जनता त्रस्त हुई पड़ी है, आपकी एक एक दुख दर्द का जवाब वोट की चोट से चुनावों में दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहती हूं कि आप आने वाले समय में ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने देश का सौहार्द तोड़ने का काम किया है, लोगों की उम्मीदें तोड़ने का काम किया है, लोगों के घर तोड़ने का काम किया है, लोगों को आपस में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया है। यही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि आईना तोड़ने वालों तुम्हें ये ध्यान रहे, आईना तोड़ने वालों तुम्हें ये ध्यान रहे, अक्स बिखर जाएगा तुम्हारा भी कई हिस्सों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मेरा निवेदन है, जो भाई ग्रिल पे खड़े हैं, भाई बैठ जाओ कृपया। भाइयों बैठ जाओ, नहीं तो एक नारा लगाना पड़ जाएगा। लगाओगे भाई नारा? लगाओगे? मैं कहूंगा भाइयों, तुम कहना बैठ जाओ, ठीक है? भाइयों बैठ जाओ, भाइयों बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब मंच की कार्रवाई आगे चलेगी, जब बैठ जाओगे सारे भाई, जिसको जहां जगह मिले सारे भाई, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, एक भी भाई। भाजपा के भ्रष्टाचार को पूरे हरियाणा प्रदेश में पहुंचाने वाले, दबंग और शेर की तरह राजनीति करने वाले एनआईटी से विधायक भाई नीरज शर्मा जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन देकर हमें कृतार्थ करें। कृपया, समय की अपनी सीमाएं, समय का ध्यान रखते हो भाई नीरज शर्मा जी। आदर मान सम्मान के योग्य पिता तुल्य हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और भाई सबको हाथ जोड़ के विनती, सम्मानित मंच, यहाँ की सभा के संयोजक भाई ललित नागर जी, बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा, एक ताली आप अपने लिए बजाएं, कारण इतनी ठिठुरती ठंड में और सुबह बारिश में आप इतनी देर से अपने नेताओं को सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब धन्यवाद के बहुत पात्र हैं। और साथियों, मुझे पता है समय की मर्यादा है, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपना भला बुरा हमें खुद पहचानना है। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार राम जी के नाम पे तो आई, राम जी की बात नहीं मानी। 9 साल के अंदर इन्होंने हमारा फरीदाबाद शहर सोमनाथ जी का मंदिर बना दिया। आओ लूटो और जाओ। आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दो, 9 साल में एक कोई प्रोजेक्ट आया हमारे शहर में? हुड्डा साहब थे, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज बनवा के गए। कोरोना के अंदर जब लाखों रुपए लेने वाले प्राइवेट अस्पताल फेल हो गए, पूरे फरीदाबाद की व्यवस्था जर्जर हो गई, दिल्ली तक का भी मरीज कहीं आया तो हुड्डा साहब के बनाए हुए ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर आया। इनके कैबिनेट मंत्रियों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं इलाज नहीं मिला तो उन्होंने इलाज कहां कराया? हुड्डा साहब के बनाए हुए ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर करवाया। उसके बाद मेट्रो, मेट्रो के नाम पे हमें छला जा रहा है। हुड्डा साहब के टाइम पे ही मेट्रो हमारी बल्लमगढ़ तक गई, बदरपुर का फ्लाईओवर बना तो हुड्डा साहब के टाइम पे बना। टैक्स तो हम भरपूर देते हैं, टैक्स देने में कोई कसर बाकी नहीं है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारी जिंदगी की ऐसी कोई चीज नहीं जिस पे हम इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हो, पर सुविधाओं के नाम पे हमें क्या मिल रहा है? हालांकि तिगाम मेरी विधानसभा नहीं है भैया, ना मुझे सांसदी लड़नी, मैं बड़े मन से उलान कर रहा हूं, मुझे मेरी NIT 86 से मतलब है। पर पीछे मैं गया, मैंने तिलपत गांव की आवाज उठाई, कारण ठेकेदार ने ठेका ले लिया,
डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड पड़ा हुआ है और तिलपत गांव हमारा ऐतिहासिक गांव है, महाभारत कालीन गांव है। आज उस गांव की सड़क की स्थिति देख लो हुड्डा साहब, कभी समय हो तो चले जाना, बिना बारिश के इतना इतना पानी खड़ा हुआ उस सड़क पे। वो सिर्फ किसकी बदौलत है? वो भ्रष्टाचार की बदौलत है। और साथियों, जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, तिगाम विधानसभा से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। चाहे मैं अपने गुजर समाज की बात करूं, हमारे रिश्ते वहां होते हैं, उनके रिश्ते यहाँ होते हैं। चाहे मैं अपने ब्राह्मण समाज की बात करूं, या आज तिगाम विधानसभा में जो हमारे प्रवासी भाई रह रहे हैं, फ्लैटों में हमारे कॉलोनियों के लोग रह रहे हैं, सब जगह आना जाना है। आपने दो ही चीज का फर्क देखना है, एक ये खट्टर है कि जो सच्चाई की आवाज उठाने वाले को, नीरज शर्मा कोई खट्टर से अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मांग रहा, अपने बालकों के ब्याह के लिए पैसे नहीं मांग रहा, अपना मकान बनाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। ये पूरी की पूरी विधानसभा इस तरीके की हुई पड़ी है हमारे यहाँ, जिसका टैक्स देते हैं सब लोग, उसके 28 करोड़ मांग रहा हूं मैं, क्योंकि टैक्स आप देते हो, टैक्स भ्रष्ट भाजपा सरकार को देते हो और वो पैसा नीचे पास नहीं कर रहे। खट्टर तो ये काम कर रहे हैं और हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? हुड्डा साहब को हर घड़ी चिंता है कि उनका बेटा इस ठंड में कहीं शहीद ना हो जाए, कहीं उसको ठंड ना पकड़ ले। पर हुड्डा साहब आप बेचिंत रहो, मेरे कपड़े के ऊपर जय सिया राम लिखा हुआ है, स्वास्तिक का निशान है, और जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई। आपको बनाए बगैर नीरज शर्मा इस धरती पे से नहीं उठने वाला। जब तक आपकी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, नीरज शर्मा को राम जी लेके नहीं आने वाले, बुलाने वाले हैं। और साथियों, अपना भला बुरा पहचान लो कि हमारे शहर का हमारा कोई भला कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार नहीं कर सकती। जिस शहर से दो दो मंत्री हो, उस शहर की ये स्थिति हो, सफाई के मामले में हम पिछड़ गए। आज कहानी क्या हो रही है? जनता त्रस्त और भाजपा के मंत्री मत बोलो जय राम जी के। मैं निवेदन करूंगा तिगांव क्षेत्र के दिलों पर राज करने वाले आने वाले विधायक भाई ललित नागर जी से कि वो आए और अपना संबोधन देकर हमें कृतार्थ करें। भाई ललित नागर जी, हम सब के नेता हमेशा गरीबों की, किसानों की आवाज उठाने वाले, पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ईमानदार और जुझारू मेहनती हमारे बड़े भाई चौधरी उदय भान जी, हमारे एकमात्र पूरे प्रदेश की और युवाओं की और किसानों की आवाज उठाने वाले संसद राज्यसभा के अंदर हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस जन आक्रोश रैली के मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूरे क्षेत्र से हमारी लोकसभा से आए हुए नेतागण, पूरे हमारे चाहे वो सेवा दल के साथी, युवा कांग्रेस के साथी, महिला कांग्रेस की हमारी साथी, सभी हमारे कांग्रेस अग्रणी कांग्रेस के साथीगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, और हमारे बहुत ही पत्रकार बंधु, टीवी के बंधु, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आज तिगांव की इस धरती पर हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे अध्यक्ष जी उदय भान जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब की तरफ से भी इनका मैं स्वागत करता हूं। आज फरीदाबाद का क्या हाल है सबको पता है, तिगांव क्षेत्र का क्या हाल है सबको पता है। आज हालात ये बने हुए हैं कि पिछले कई महीने से हमें रोड बनवाने के लिए रोडों के ऊपर धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, हमें कूड़े के ढेरों को हटवाने के लिए
कूड़े के ढेरों पर बैठना पड़ता है। आज विकास के नाम पर हमारे क्षेत्र के अंदर जो कॉलोनियां हैं, 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एक ईंट भी नहीं लगी है। आदरणीय हुड्डा साहब, इतना आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा क्षेत्र 3 तरह का एरिया है। ये सेक्टर एरिया है, बहुत बड़ी कॉलोनी एरिया है और ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत दिन से हमारे तिगांव क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों को ये उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र की सीट भी ये जनता जनार्दन बैठी है या हां भर के गवाही देगी, ये तिगांव क्षेत्र की जनता भी ये सीट को आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जब भी आपकी सरकार बने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, आप ऐसे ही विकास कार्य करवाएं जैसे आपने 10 वर्ष पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे फरीदाबाद के अंदर आपने काम करने का काम किया था, और फरीदाबाद को भी और हरियाणा को भी आपने नंबर 1 बनाने का काम किया था। उसी तरह से आज आपकी तरफ किसान भाई भी, मजदूर भाई भी और कर्मचारी भाई भी, हमारी महिलाएं भी, बहन भी, सब आपकी तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं। आज केवल और केवल हरियाणा प्रदेश में एक ही नाम है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज होगा और फिर से हरियाणा प्रदेश वही नंबर 1 पर आएगा। मेरे से पहले मेरे विधायक साथी ने, हमारे फरीदाबाद के नेताओं ने फरीदाबाद का हाल बताया, आपको भी फरीदाबाद के हाल का पता है। केवल और केवल हम यही चाहते हैं हुड्डा साहब कि जब भी आपकी सरकार बने, जब भी आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करें, उसके तुरंत बाद हमारे फरीदाबाद में भी आप विकास करवाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बड़े हुड्डा साहब को, उदय भान जी को आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं एक बार पुनः इस अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय तिगांव। मैं निवेदन करता हूं, एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में दर्ज किया, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करता हूं वो आए और सभा को संबोधित करें। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जन जन की आवाज, जिनके नेतृत्व में लगातार हरियाणा में पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां 90 विधानसभाओं कुल और 35 से ज्यादा पूर्व विधायक भाजपा, जजपा, सत्ता दल और अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत इस बात का है कि आने वाला समय हरियाणा में परिवर्तन का, हरियाणा के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज आ रही है और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, सभी सम्मानित मंच, जैसा कि एक पंचायती फैसला हुआ है और आज के आयोजनकर्ता आपके सुख दुख के साथी, तिगांव क्षेत्र के सुख दुख के छह साथी और आपके हरदिल अजीज, नेता नहीं कहूंगा, आपके हरदिल अजीज कार्यकर्ता, क्योंकि एक कार्यकर्ता की तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, सरल भाव के धनी, मेहनती भाव के धनी हमारे साथी ललित नागर जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई ललित को बहुत बहुत भाई मैं आपको बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जब सुबह बारिश का मौसम बन रहा था, बूंद थोड़ी थोड़ी, जब बूंद का
समय बना तो ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं आप आओगे कि नहीं आप आओगे। वैसे भी तिगांव आसपास के इलाके में सारी सड़कें भी टूटी हैं और बिना बारिश के भी सड़कों पर सीवर का पानी भरा रहता है, तो ऐसे में अगर बारिश हो गई तो आने के लिए कैसे आओगे नहीं आओगे। पीछे बारिश हुई थी तो फरीदाबाद में कश्तियां भी चली थी, आपको याद होगा। तो आज ऐसे मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं भाई ललित को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये संकेत इस बात का है कि तिगांव क्षेत्र का जो है जन जन का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज यहाँ आप पहुंचे। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, में ज्यादा लंबी बात नहीं, क्योंकि आप हुडा साहब को सुनना चाहते हैं, उदय भान जी को सुनना चाहते हैं। मैं दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। एक तो हरियाणा की बात, क्योंकि सरकार को, हरियाणा सरकार को मात्र 4 महीने शेष रह गए। 9.5 साल इस सरकार को, खट्टर सरकार और फिर खट्टर दुष्यंत सरकार को आपने देखा। आज आपको तराजू पे तोल के फैसले करने का समय आ गया। इस सरकार ने 9.5 साल में हरियाणा के लिए क्या किया? 2 पैमाने होते सरकार के, काम करे और सबका मान सम्मान करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, फरीदाबाद में आपने इस सरकार को कुछ काम करते देखा? मुख्यमंत्री जी को जन जन का मान सम्मान करते देखा? वो कह रहे मुख्यमंत्री ही नहीं देखा आज तक, वो तो कह रहे कि मुख्यमंत्री जी को ही नहीं देखा। तो भाई अगर काम नहीं देखा, किसी का मान सम्मान नहीं देखा, तो हरियाणा में आप समझ सकते हो कि सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी। जो प्रदेश विकास के हर मापदंड में देश में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के फैसलों में, गरीब कल्याण योजनाओं में, आपस में भाईचारे, खुशहाली में, 10 साल किसी वर्ग को कोई धरना आंदोलन नहीं करना पड़ा जिस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, आज वो प्रदेश 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास में तो देश में मोदी सरकार बता रही है 17वें नंबर पर, और नंबर 1 बन गया तो खट्टर साहब बोलते हैं कि हमारा नाम लेके बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं। लेकिन मैंने तो सवाल पूछा था संसद में कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है, खट्टर साहब मैं क्या करूं, सवाल आप ही की सरकार से पूछा था, भाजपा की सरकार से, और मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया संसद में कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो खट्टर साहब हरियाणा के अंदर, आपके सरकार के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे नंबर 1 पे बन गया। तो आज बेरोजगारी में नंबर 1, आज महंगाई में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, क्योंकि वेट जो 9% पे था 17% पे पहुंच गया। सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगा बिजली का बिल, बड़े बड़े उद्योगपति समूहों के साथ, अदानी जैसे उद्योगपति समूहों के साथ समझौते बदलकर सबसे महंगी बिजली आज देश में हरियाणा में दी जा रही है। महंगाई में नंबर 1 पे आज आपने हरियाणा को बना दिया, आम घर के की कमर तोड़ दी। बिजली का बिल, डीजल पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों के स्कूल की फीस, आदमी करे तो करे क्या? महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1। नारा चलता था दूध दही का, हरियाणा ऐसा था हमारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना, नारा चलता था खेल खिलाड़ियों का हरियाणा, अब बन गया नशे में नंबर 1 हरियाणा। ये आपने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। और उसका अगर उदाहरण देखना है तो हरियाणा कोने कोने में, फरीदाबाद में आप देख सकते हो। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो इस फरीदाबाद को देश में अपने विकास नगरी का एक गौरव दिलाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया था, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर बनाने की बात हो, नहीं तो जाम लगता था घंटों। बदरपुर फ्लाईओवर बना तो मथुरा रोड 6 लेन हमारी सरकार में बनी, मेट्रो पहले फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंची, तो इधर का बाईपास जो तिगांव क्षेत्र के बीच में सारा निकलता है, इधर से बाईपास निकला, उधर गुड़गांव को हमारी सरकार में 4 लेन से जोड़ने का काम हुआ, तो IMT औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई, उधर ESI मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत से ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बना, तो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बनाने का काम हमारी सरकार में हुआ और फरीदाबाद विकास की तरफ आगे गया। लेकिन फिर इनकी सरकार आई
और सरकार आते ही नारा दिया स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमें मन में खुशी हुई, हमने कहा कि फरीदाबाद आगे गया है, वो गौरव शायद ये सरकार उसको कम से कम बढ़ाए ना तो उसको रखने का काम करे, मगर स्मार्ट सिटी बनाई। या अगर देख मूलभूत सुविधाओं के नजरिए से देखें तो नरक सिटी बनाई, वो मुझसे ज्यादा आप जानते हो। कहां गया को कफाइले कहां है, काम कुछ किया नहीं फरीदाबाद में। अभी एसआई मेडिकल कॉलेज की बता रहे थे नीरज जी, शारदा जी, 700 करोड़ मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज के आगे, ईएसआई के आगे, अस्पताल के आगे सड़क का क्या हाल है वो मुझे आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तिगांव में सड़कों का क्या हाल है, मैं समझता हूं कि एक विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सड़कों का बुरा हाल है तो तिगांव के अंदर है। नगर निगम के अंदर ऐसे ऐसे घोटाले आए, 200 करोड़ रुपए के घोटाले की फाइल कहां दबा गए, 200 करोड़ रुपए कहां गए, कागजों में काम हो गया, कागजों में सड़कें बन गई। हमारे विधायक नीरज शर्मा जी, अब ये एनआईटी क्षेत्र में क्या हाल है उसकी तो फोटो अपने जो है अपने कुर्ते पे उनकी फोटो जो है छपवा के नीरज शर्मा जी घूम रहे, ऐसे मजबूर हो गए। उस समय भी इन्होंने आवाज उठाई थी जब 200 करोड़ रुपए का नगम का घोटाला हो गया। राम का नाम, अब ये राम का नाम लेते, राम का नाम तो सभी लेते हैं, राम तो सभी के हैं, और ये तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां सुबह उठते हैं राम राम। अगर मौसम में अगर बादल आ जाए तो क्या आज राम बरस सकता है, बरस जाए तो राम राजी हो गया, कोई काम बिगड़ जाए तो कहते राम रुखाला है ठीक करेगा, और नया काम शुरू करो तो कहते ने लेके राम का नाम करो नया काम। मगर ये यहां पे उल्टी गंगा बाहर बह रहे हैं। बीजेपी वाले क्या करते हैं, ना राम का नाम तो लेते हैं, कहते हैं बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन करते हैं जनता को लूटने का काम जो आपने नगर निगम में देखा। फरीदाबाद में आपको पता है कौन लूट रहा है, हम भी बोलते हैं राम राम, हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन हम करेंगे हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम, फरीदाबाद को देश में सबसे आगे लेके जाने का। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है, और आज बदलाव का समय आया है। भ्रष्टाचार केवल फरीदाबाद तक सीमित नहीं है, आज कॉलोनियों को उजाड़ा जा रहा है लेकिन अरावली की जमीन को बड़े उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार। आज इस भ्रष्टाचार से जो लड़ाई और हरियाणा में बदलाव की जो हमारी लड़ाई है वो फरीदाबाद तक ही नहीं, हरियाणा में भी जो आपकी सरकार बनी आपको पता है ये सरकार दोबारा नहीं बनती। 40 पे सुई अटक गई थी भाजपा की, 40 पे, लेकिन इस बीच एक पार्टी आई जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, जो बीजेपी के खिलाफ वोट ले गई। बीजेपी का नारा था पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या कहते थे, कहते थे बीजेपी जाएगी 75 पार। जब लोकसभा में जीत हुई तो खट्टर साहब को लगा कि उनकी सरकार की भी उसी तरीके से जीत होगी, और कहा बीजेपी जाएगी 75 पार। इसी बीच एक दुष्यंत चौटाला आया जिसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार बन गए हरियाणा में, और कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं जेजेपी और बीजेपी, दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब हाथ मिला रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तिगांव वासियों से, तिगांव के अपने बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन आपकी आई या नहीं आई, 5 साल हो गए, 5100 की पेंशन के पे समझौता हुआ था भूल गए, समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था, समझौता प्रदेश को महकमे बांटकर लूटने का था, भ्रष्टाचार की फाइल बंद कराने का था। सार्वजनिक तौर से कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब महकमा किसके पास गया, माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शहरी विकास का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से ज्यादा लूटने का काम करेगा, इस बात का भ्रष्टाचार का समझौता था आपके सामने है। अभी खट्टर साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, पिछले कुछ दिनों से खट्टर साहब को जो है हमारी बहुत याद आती है, उनका बयान आ रहा है कि कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा हो कि दीपेंद्र को पीछे कर दे, बोले दीपेंद्र हुड्डा को पीछे कर दे कांग्रेस की सेहत अच्छी बने। तो मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूं, आप मेरी सेहत की चिंता या कांग्रेस की सेहत की चिंता आप कम मत करो खट्टर साहब, हमें मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी सेहत की चिंता रखते हो,
आप मगर हमारी सेहत की चिंता कम करो, अगर चिंता करनी है तो फरीदाबाद के सड़कों की सेहत की चिंता करो, फरीदाबाद के प्रदूषण की चिंता करो, यहाँ के सीवरेज पानी व्यवस्था की चिंता करो, यहाँ के गरीब आदमी के महंगाई की चिंता करो, आप हरियाणा की चिंता करो। आप सब कुछ छोड़ के हमारी 9.5 साल के बाद हमारी चिंता कर रहे हो। हम तो गरीब आदमी, आप चिंता करोगे कि नहीं करोगे हमारी सेहत को? तो हमारी सेहत तो अच्छी है, हम आपका धन्यवाद करते। तो आज मैं अंत में एक बार फिर अपने भाई ललित को बधाई देता हूं और आप सब से पूछना चाहता हूं, ये जो बदलाव की जो लड़ाई और पूरे प्रदेश में जो बदलाव की आवाज उठी, आज प्रदेश के कोने कोने में हम जा रहे हैं। आपने देखा होगा सिरसा के अंदर हमारी रैली हुई, लाखों लोग वहां पहुंचे, वहां से लेकर अंबाला तक, कुरुक्षेत्र से लेकर रोहतक तक, प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा जजपा की एक कट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो भाई ये सरकार तो आ रही है, लेकिन इसमें एक कमी कसर रह गई थी, पिछली बार ही बदलाव हो जाता, पिछली बार ही जमुना पार भेजने का लोगों ने इस सरकार को मन मना लिया था। केवल एक जगह कमी कसर रह गई, वो फरीदाबाद में 9 में से बीजेपी की जो है 9 में से 8 सीट आ गई, हमारी 1 आई, इनके साथ है एक इंडिपेंडेंट, हमारी 1 आई, यहां कमी रह गई थी। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस बार यहीं फरीदाबाद में 9 सीट हैं, 9 में से आप कितनी सीट जिताओगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। देखो ये है फरीदाबाद का, ये है फरीदाबाद की धरती का रंग। 9, मैंने कहा 9 में से कितने जिताएंगे, बोले सारी जिताएंगे, तो 10 बता रहे हैं। यहाँ की जो 9 जिताओगे आप, वो 10 के बराबर है। फरीदाबाद इतना भारी पड़ेगा इस सरकार पे, इन्होंने काम नहीं किया, इनका बदला लेना। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें भी पूरा देश हरियाणा की तरफ देखेगा। हरियाणा के किसान के साथ जिन्होंने 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई किसान आंदोलन में, हमारी महिलाओं के साथ जिन महिलाओं की इज्जत की न्याय की लड़ाई के लिए दिल्ली में जो बैठी जंतर मंतर पे जिनको घसीटा गया, हमारा नौजवान जिसको देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की पीड़ा हमारे नौजवान को झेलनी पड़ी, और हमारा आम नागरिक जिसको महंगाई अव्यवस्था कानून व्यवस्था और आज कुशासन की मार झेलनी पड़ी, पूरा देश हरियाणा की तरफ देखेगा। हरियाणा ने हमेशा इतिहास रचा है, देश में कोई अगर शुरुआत हुई है तो हरियाणा से हुई है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब लड़ाई हुई तब इंद्रप्रस्थ का फैसला हुआ, पानीपत के अंदर लड़ाई हुई तब दिल्ली तक का फैसला हुआ, और हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में अगर आप यहां का आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और देश की राजनीति को दिशा मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बार हाथ खुटा उठा करके कि भाई लोकसभा चुनाव में भी पूरा पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। ब्राह्मण समाज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित किया जा रहा है, बहुत खुशी की बात। साथियों, हमारे बीच में महेंद्रगढ़ की धरती से इरवाल से चलकर रावदान सिंह जी पहुंचे हैं, समालखा की धरती से चलकर चौधरी धर्म सिंह छोकर जी पहुंचे हैं, और नूह और मेवात की धरती से चलकर पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बाबूजी आफ्ताब अहमद जी पहुंचे। मैंने उनको बुलवाना चाहता था, लेकिन खुद तीनों वक्ताओं ने, तीनों नेताओं ने यह कहा कि समय की अपनी सीमाएं हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर तीनों नेताओं ने कहा कि भाई हम बोलना रोक देते हैं और बड़े नेताओं को बुलवाओ। उसी कड़ी में आगे बढ़ता हुआ मैं निवेदन करूंगा, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेतृत्व के धनी चौधरी उदय भान जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तिगान क्षेत्र की धरती पर चौधरी उदय भान जी का संबोधन। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सरप्रिय जनप्रिय लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, हरियाणा प्रदेश के किसान की मजदूर की गरीब की आवाज को
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में हर एक प्रत्येक व्यक्ति का दर्द उठाने वाले, हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय विधानसभा में डिप्टी लीडर और फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री आफताब अहमद जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री राव दान सिंह जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ विधायक समालखा से आदरणीय श्री धर्म सिंह छोकर जी, एनआईटी से विधायक आदरणीय श्री नीरज शर्मा जी, आपके सुख दुख के साथी, बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय आपके नेता आदरणीय पूर्व विधायक श्री ललित नागर जी, जिनको मैंने विधानसभा में तिगाम हलके की मांगों को रखते हुए जो विधानसभा में जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई आदमी किस तरह से विधानसभा की एक एक बात को लेकर के गरजता है विधानसभा के अंदर, और आपकी हर छोटी से बड़ी लेकर के मांग को जहां विधानसभा में उठाते थे वही मैं देख रहा हूं कि वो सड़क पर भी जहां भी जरूरत होती है वो संघर्ष में आपके साथ मिलकर के, चाहे वो स्वास्थ्य का किसी अस्पताल से संबंधित मामला हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे सड़क से संबंधित हो, कोई भी विकास से संबंधित मामला हो, आपके हर समय सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले आदरणीय भाई ललित नागर जी, हमारी बहन बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक शारदा राठौर जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी, हमारे पूर्व विधायक सोनीपत से श्री सुखबीर फरमाना जी, भाई विजय प्रताप जी, लखन सिंगला जी, गफ्फार कुरैशी जी, इजराइल जी, जेपी नागर जी, भाई मुकेश शर्मा जी, राजेंद्र भामला जी, भाई नीरज गुप्ता जी, जगन डागर जी, पंडित योगेश गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गुलशन बग्गा जी, भाई नितिन सिंगला जी, अभिलाष नागर जी, राजा राम ठाकुर जी, गजना लम्बा जी, रेणु चौहान जी, मंधीर मान, वेदपाल दायमा, गिरीश भारद्वाज जी, अनिल नेता जी, अनिल शर्मा जी, सुंदर नेता जी, बीरपाल हमारे पहलवान जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण, और पूरे तिगाम विधानसभा से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं बहनों बच्चों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, मौसम भी खराब है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सारे काम की बात आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके समक्ष रखेंगे। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल में वोट पड़ जाएंगे, विधानसभा की भी पड़ सकती है, संभावना कम है शायद अक्टूबर में ही हो चुनाव विधानसभा का, लेकिन जो ये लोकसभा का जो चुनाव होना है, जो अभी दीपेंद्र हुड्डा जी आपसे जब हाथ उठवा रहे थे पूछ रहे थे कि कितनी सीटें जीतोगे, तो आप पूरे 10 दिखा रहे थे, 10 का मतलब 9 विधानसभा और 1 लोकसभा होता है, वो 10 की 10 सीटें आपने जो हाँक की है उस पर खरा उतरने की आवश्यकता है। आपको इस चुनाव में तराजू लेकर के तोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके सामने वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए हैं या वो सारे जुमले थे, आप लोगों को गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, या उनमें कोई हकीकत थी। नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में आकर के कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं किसानों को MSP C2+50 के हिसाब से और स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी मैं हर साल दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देने का
ऐलान जो वादा जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, क्या वो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है या केवल जो आंकड़े जो आए हैं पूरे 10 साल के अंदर उन्होंने केवल 7,30,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया और इस देश में से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा जिसमें पहली लिस्ट में ही फरीदाबाद का नाम पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से देश के अंदर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं डीजल 35 रुपए लीटर आपको देने का काम करूंगा और गैस का सिलेंडर मैं 250 रुपए में देने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने दो वायदे किए थे, क्या एक भी वायदा अगर पूरा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, नोटबंदी के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना। अब आपको फैसला लेना है कि क्या इस देश में आतंकवाद खत्म हो गया है, क्या नक्सलवाद खत्म हो गया है, क्या नकली नोट खत्म हो गए हैं, क्या काला धन आ गया है या काला धन अमीरों का सफेद हो गया है। उस नोटबंदी के अंदर जो लाइन में 168 आदमी मरा था वो कौन था? वो इस देश का गरीब मेहनत का दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति वंचित समाज के मजदूरों के बेटे किसान के बेटे वो थे जो 168 आदमी लाइन में लगकर मरे थे। वो 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इस देश के अंदर हजारों फैक्ट्रियों को ताले लग गए थे। इस फरीदाबाद में ही कई हजार फैक्ट्रियों को ताला लगा। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम करते थे उसमें से 400 बाहर निकाल के बाहर कर दिए, केवल 100 आदमियों से काम लेने का काम किया। इस नोटबंदी की वजह से 12 करोड़ लोगों की नौकरी रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। नरेंद्र मोदी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा। आज जल थल नभ शब्द का वो है। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन और ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह पंत भी बेचे जा रहे हैं, सड़कों पर पूरी तरह से टोल टैक्स लगा करके अंबानी को समर्पित कर दिया है, सारे गोदाम अदानी को दे दिए गए हैं, सारे बिजली के जो कोयले की जो खदानें थी वो सब अदानी और अंबानी को सौंप दी गई हैं, उनके 12.5 लाख करोड़ रुपए माफ करने का काम किया है। इनके चेले चपाटे कई कई हजार 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ रुपए लेकर के देश से भाग जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जो कहता था कि पुलवामा के शहीदों के लिए उनके फोटो लगा करके कहता था कि क्या इन पुलवामा के शहीदों के नाम आप अपना पहला वोट समर्पित कर सकते हो? क्या उस पुलवामा की सच्चाई नहीं आनी चाहिए? क्या सत्यपाल मलिक ने जो इनका जो चिट्ठा जो खोलने का काम किया था क्या उसका पता नहीं लगना चाहिए जनता को कि आखिर पुलवामा में 7 नाके पार करके 250 किलो आरडीएक्स को लेकर के उनकी जो आतंकवादियों की गाड़ी किस तरह से हमारे सीआरपीएफ के काफिले में घुसी, क्यों नहीं उनको हवाई जहाज की सुविधा दी गई? इस बात की क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीआरपीएफ के जवानों को जो आज तक भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी जो चीन के नाम से सुन करके जो उनकी कपकपी उठ जाती है, क्या जो कहता था कि लाल आंख देखने की बात करते थे वही नरेंद्र मोदी जी चीन के सामने कैसे सरेंडर किया हुआ है? किस तरह से 3.5 हजार किलोमीटर हमारे रकबे में चीन ने हमारे पाम पसार लिए हैं? किस तरह से हमारे 20 नौजवानों को चीन की सेना ने शहीद करने का काम किया?
और किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां पर लद्दाख के अंदर हमारा जब 1962 में चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 के अंदर उस चीन के युद्ध में मेजर शैतान सिंह भारत का जो वो वीर मेजर शैतान सिंह जिसने सैकड़ों चीनियों को मार गिराने का काम किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने हिंदुस्तान का बहादुरी का सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र से उसको नवाजा गया था, उस मेजर शैतान सिंह की उस चीन के बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सीमा में उनका स्टैचू लगाया गया था, इस कायर प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने उस स्टैचू को भी वहां से हटवाने का काम किया और वो चीन को सरेंडर करने का काम किया। क्या इस पर नहीं होना चाहिए? इन हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि हमारे जो नौजवान जो सैनिक जो फौज में शामिल होता था 15 साल 18 साल 20 साल की नौकरी करके आता था, नौकरी के बाद उसको पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधा मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी, अगर शहीद हो जाता था तो 75 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता था, 50 लाख रुपए से अलग से मदद दी जाती थी, उनके परिवार को नौकरी दी जाती थी। और आज इन्होंने उस सेना को भी धोखा देते हुए उनके जनरल को नरवणे को भी नहीं पता था कि इस तरह का ये फैसला लेंगे, उस सेना के जनरल नरवणे को भी आश्चर्य हो गया कि कहां से अग्निवीर योजना लेकर के आ रहे हैं। वो अग्निपथ योजना क्या थी? वो 4 साल की नौकरी 17 साल का बालक जाकर के 17.5-18 साल का अग्निवीर योजना के लिए जाता है और 22 साल के लिए रिटायर हो जाता है, 10-10, 20-20 किलोमीटर की रोज सैर करते हैं, सैर नहीं दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं, तैयारी करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और जब उनको मिलता है 4 साल की नौकरी, पहले सेना में भर्ती होता था हल्ला मच जाता था, फलाने का लड़का फौज में भर्ती हुआ, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। आज कौन रिश्ता करेगा जब पता है कि 18 साल का 17 साल का भर्ती हुआ 21 और 22 साल का वापस आ जाएगा, 21 साल से पहले ब्याह हो तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसका तो ब्याह भी नहीं हो सकता। ये हालत जो है नरेंद्र मोदी ने उस अग्निवीर को योजना को लाकर के हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया, इस देश की फौज के साथ में धोखा देने का काम किया, ये बात सोचने समझने की बात है। आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ तक मेट्रो कौन लेकर के आए, गुड़गांव तक मेट्रो कौन लेकर आए, बहादुरगढ़ तक कौन मेट्रो लेकर के आए, 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन को लेने वाला अगर कोई शख्स है तो आपके सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने, प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने 5400 मेगावाट के लगाए और इस प्रदेश में 2000 सरप्लस मेगावाट इस बीजेपी सरकार को देने का काम किया, 2000 सरप्लस मेगावाट बिजली देने का काम किया था। अगर वो 4 बिजली के कारखाने ना लगते तो इस प्रदेश में बिजली की क्या हालत होती ये समझ सकते हैं। हुड्डा जी जो थे कि प्रदेश के अंदर 12 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 6 मेडिकल कॉलेज अलग से बड़े बनाए, 6 रेल की लाइन अलग से बनाने का काम किया। और हुड्डा साहब थे 150 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे, 485 करोड़ रुपए हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया, 11600 सफाई कर्मचारी 1 करोड़ से करने का काम किया, 100 गज के प्लॉट गरीबों को बांटने का काम किया, गरीबों के घर में पानी की टंकी टूटी बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया जो फरीदाबाद में रहने वाले हैं, गुड़गांव में कहीं भी रहने वाले हैं, जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, उन 5000 लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम इस सरकार ने किया, 5000 लोगों को परिवारों को बर्बाद करने का काम किया। कहते हैं कि कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो, हरियाणा के लिए 1,38,000
200 मकान मंजूर हुए थे, 495 करोड़ की पहली किस्त भी आ गई थी। क्या हरियाणा में कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं है? क्या हरियाणा में कोई आदमी कच्चे घर में नहीं रहता? हरियाणा के जो 1,30,200 मकान आए थे, 495 करोड़ की किस्त आई थी, इन मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको वापस कर दिया। ये हरियाणा में हुड्डा साहब थे, IMT लगाई आपके यहां, आपके हलके में लगाई, तिगाम हलके में IMT लगाई, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। और उसका मकसद था कि यहाँ पर जो उद्योगों का बढ़ावा हो, यहाँ जो MSME जो घरों में चल रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं, वो सब वहां पर आकर के बसे, उनको कोई जो है रिजर्व प्राइस पर उनको प्लॉट दिए जाए जहां पर वो अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा सके उस MSME के लिए। और इस दर्द सरकार ने उनको नीलामी और बोली पर लगा करके उन MSME को कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया, उनको बर्बादी करने का काम किया। कोई मदर यूनिट भी यहाँ पर नहीं लेकर आए जिससे कि उनको कोई फायदा मिल सके, उस MSME में हमारे जो लोग रह सके, हमारे जो गरीब आदमी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कोई ये सुविधा दे सके। आप कहते हैं बड़ी बेसमी से हम इनका पेट पाल रहे हैं, 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। अबे तुम क्या अनाज दोगे? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, क्या ये पहले गरीबों को अनाज नहीं दिया जाता था? 1 रुपया किलो में गेहूं और 2 रुपये किलो चावल के हिसाब से दिया जाता था, दाल अलग से देते थे, मिट्टी का तेल अलग से देते थे, सरसों का तेल अलग से देते थे, चीनी अलग से देते थे और दूसरी दी जाते थे। इन्होंने वो सारी चीजें बंद करने का काम किया, ये गरीबों को मिटाने के लग रहे हैं काम। इस बात को सोचने की जरूरत है। हुड्डा साहब ने सबके लिए काम किया, इन्होंने सबको बर्बाद करने का काम किया। ये बात आपको देखने की बात है। हुड्डा साहब ने जब 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी, 48 साल में हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज इस प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इस खट्टर सरकार ने कर दिया है। आज इसका मतलब है कि कोई बालक आज अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के प्रदेश में पैदा हो रहा है। पूरी तरह से अस्पतालों की व्यवस्था बिगाड़ दी, स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ दी। स्कूलों की बात लें तो आज प्रदेश के अंदर 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1,047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, और 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल की चार दीवारी नहीं है। 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है, लाइब्रेरी के लिए, लेबोरेटरी की। और ये बेशर्म सरकार जो शिक्षा का GDP का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए, ये 2% भी खर्च नहीं करते। और उस जो शिक्षा का बजट था उसमें भी 10,676 करोड़ ये सरेंडर कर देते हैं। हाईकोर्ट इन पर 5 लाख जुर्माना करती है, ये 48 स्कूलों को मर्द कर देते हैं, 498 स्कूलों को बंद कर देते हैं, अध्यापकों के पद घटा देते हैं, पर भी 25,192 पद खाली है। इन सरकारी स्कूलों में किन के बालक पढ़ते हैं? इन सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज के, वो पिछड़े समाज के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की हैसियत नहीं रखते, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है गरीबों के लिए। कोई बच्चा जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे कोई डॉक्टर बनता था, 42,000 एक साल की फीस थी जो खट्टर ने 10 लाख रुपए साल की कर दी। क्या कोई गरीब आदमी 50 लाख रुपए खर्च करके अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? ये पूरी तरह से मजदूर के गरीब के सबसे ज्यादा जो है गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छोटे कर्मचारी और व्यापारी विरोधी सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपको इन जुमलेबाजों से राहत पानी पड़ेगी, इन झूठे लोगों से जो आज घोटाले में फंसे हुए हैं, आज जो मानी घोटाले हैं फरीदाबाद में, इनके सहन से सारे इनके मंत्री और सारे MP सारे मिले हुए हैं। यहाँ पर जो दो भी खनन का काम चल रहा है, अवैध जो माइनिंग चल रही है उसका भी, अवैध रूप से जो बस चल रही है, अवैध रूप से जिस तरह से यहाँ पर प्लॉटों पर कब्जे हो रहे हैं, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं,
ये गुंडागर्दी के आलम को हटाना चाहते हो तो इस मोदी को हटाने की जरूरत है। उसके लिए आप सबको एकजुट होकर के इस लोकसभा के चुनाव में पहले लोकसभा की सीट को कांग्रेस को दिलाने का काम करो और उसके बाद 9 के 9 विधानसभा सीटें इस फरीदाबाद लोकसभा की कांग्रेस को जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ बाकी बातें हुड्डा साहब बताएंगे कि सरकार आने के बाद में हम आपके लिए क्या सौगात देने जा रहे हैं। उस पर पूरी तरह से एक एक बात को सुन करके हुड्डा साहब की पूरी स्पीच सुन करके जब उस पर मनन करना कि हुड्डा साहब जो करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं और जो ये कहते हैं उसका ये उल्टा करते हैं बीजेपी वाले, इनको उखाड़ फेंकने के लिए आज आप सबका सहयोग समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो आपको एक जुझारू एक नेता ललित नागर जो आपको दिया है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही है, ईमानदारी का प्रतीक है, आपको निष्ठा का प्रतीक है, हमेशा ईमानदारी से आपकी सेवा करता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्षशील आदमी है, इसको मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नारा लगाओगे हाथ खड़े करके बताओ, ललित नागर, ललित नागर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई खड़े हैं बंगाल के साथ, बैठ जाओगे? हाथ खड़े करके बताओ भाई, बैठ जाओगे? नारा लगवाऊं, बैठ जाओगे? धन्यवाद। और अब मैं साथियों निवेदन करता हूं, सभी वक्ताओं ने अपने अपनी बात कही, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। साथियों आप लोगों के आशीर्वाद से 6 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी मेहरबानी से प्रदेश की कमान हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में होगी। फिर वही अमन चैन शांति और भाईचारा कायम होगा। फिर उसी तरक्की और विकास के रास्ते पर हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़कर गए थे। अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तालियों के साथ स्वागत, तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट चंडीगढ़ तक होनी चाहिए। सभी भाई बैठ जाओ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जुझारू व मेहनतकश प्रधान चौधरी उदयवान जी और हमारे डिप्टी लीडर सीएलपी के विधायक चौधरी आफताब अहमद जी और महेंद्रगढ़ से आए हमारे वरिष्ठ साथी विधायक राव दान सिंह जी, धर्म सिंह छोकर जी विधायक हमारे साथी, और यहीं फरीदाबाद से जो जिनका आपने भाषण सुना हमारे विधायक साथी नीरज शर्मा जी, ललित नागर जो आयोजक हैं आज के, हमारे बहादुर साथी जिन्होंने बहुत आवाज उठाई हमारी विधानसभा में जब ये विधायक थे आपके, रोज यही यहाँ की समस्याएं उठाते थे ललित नागर जी, पूर्व सीपीएस शारदा राठौर जी, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी, पूर्व विधायक सुखबीर परमाना जी और हमारे अजीज विजय प्रताप जी, और हमारे जो उम्मीदवार थे यहाँ हमारे लखन सिंगला जी, गफार कुरैशी जी, इसराइल जी, और हमारे बहुत पुराने साथी यूथ कांग्रेस के समय के जेपी नागर जी, योगेश जी, नीरज गुप्ता जी और ठाकुर राजा राम जी, राजेंद्र बामला जी, मुकेश शर्मा जी, नितिन सिंगला जी व उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो और मैं समझता हूँ जितनी बातें सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई, हर समस्या उठाई और हर हकीकत से आपको वाकिफ किया, मैं समझता हूँ ये उठाते ना उठाते पर आप स्वयं समझते हैं, आप खुद तोल के देखते हैं भाई कौन सी सरकार ने आपका भला किया, कौन सी ने नहीं किया, इस सरकार ने क्या किया। 9 साल से ये सरकार है,
आज बीजेपी जेजेपी की और पहले बीजेपी की हरियाणा में। और फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था और ये सोच के बसाया था कि हरियाणा का नहीं देश का प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन होगा, दिल्ली के नजदीक है, इसका पूरे इलाके का विकास होगा, फायदा होगा इसको। लेकिन जैसे जैसे समय चला बहुत तेजी से विकास हुआ, लेकिन एक बीच में ऐसा भी समय आया कि फरीदाबाद को लोग फकीराबाद के नाम से कहने लग गए थे, क्योंकि पिछड़ गया था ये। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया कि फरीदाबाद को फरीदाबाद बनाएं और इसको आप मेट्रो लगाओ, बाईपास लगाओ, मेडिकल कॉलेज लगाओ, जितने भी हैं सब बताएं। हमारे समय में काब हुआ। मेरा एक सवाल है कि 9 साल है, बस दूसरी पार्टी के भी कोई आदमी होंगे सुनते आते हैं, सभी से सवाल है भाई इस 9 साल में कोई एक काम बता सकते हैं फरीदाबाद में जिस सरकार ने किया? 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 पोल मेट्रो का लगाया हो और कोई ऐसा कार्य किया हो? तो ये फरीदाबाद आत्मन। और केवल फरीदाबाद नहीं, हमारे को दिल में इस बात की टीस है मेरे को कि केवल फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा, पूरा हरियाणा जो विकास में बहुत आगे था। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, नंबर 1। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये देश के आप आंकड़े निकाल के देखो। आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश हरियाणा? आज हमारा प्रदेश है बेरोजगारी में नंबर 1, हमारा प्रदेश है महंगाई में नंबर 1 और अपराध में देश के ऊपरले 2-3 में पहुंच गया। रोज कोई ना कोई अपराध, फरीदाबाद आप कोई फिरौती मांग रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं कोई हो रहा है। और नौकरियों में आपको मालूम है नौकरी देने का तो इनका काम ही कोई नहीं, नौकरी हटाने का काम है। और खेल खिलाड़ियों में आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, किस तरह सड़कों में खसेड़ी गई। आज जो खिलाड़ी आते ही हमारी जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, घर खिलाड़ी बाद में पहुंचता था, पहले पदक मिलता था ताकि लोग हमारी जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाए, अपना आगे काम में लगे, कार्यों में लगे रहे। लेकिन अब वो उनका कोई पूछ नहीं तो हम नशे में, हमारी युवा पीढ़ी नशे में जा रही है। पहले पूरे देश में नशे के मामले में पंजाब था, लेकिन अब पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, 5-4 साल में नशे में हमारे कितने ही नौजवान मर चुके, सबसे ज्यादा देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा नशे से मौतें हुई हैं, अकेले सिरसा जिले में कितने हुई हैं रिकॉर्ड देखो आप। तो कहां है ना विकास है ना नौकरी है, नई नई इसकी स्कीम लाते हैं, कभी कहेंगे परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आईटी, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये क्या काम है भाई? और उसके जरिए क्या करेंगे, परिवार पहचान पत्र के जरिए तो राशन कार्ड काट देंगे, पेंशन कार्ड देंगे बुजुर्गों की, और ऐसे सारे काम फसल मेरा ब्यौरा में जो है किसान का फसल खेत में पड़ी है खेत अनाज, लेकिन मंडी में नहीं ला सकता, इंतजार देख रहा है कब मेरा फसल आएगा। ऐसी परिस्थिति बना दी हरियाणा, कहां से कहां पहुंच गया। बहुत तकलीफ होती है हमारे को जब आप स्वयं देख सकते हैं कहां क्या क्या किया हरियाणा में। आप अस्पतालों में चले जाओ तो वहां डॉक्टर नहीं है, स्कूल में चले जाओ
तो मास्टर नहीं है, दफ्तरों में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं है, सरकार का क्या काम भाई? सरकार का काम होता है स्वास्थ्य अच्छा रहे लोगों का, शिक्षा अच्छी मिले और सारे काम हो। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं सब मामला उलट हो रहा है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में मैं हैरान हूं, अभी मेरे अजीज विजय बता रहे थे मेरे को कि 9 साल से जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कोई नया कॉलेज नहीं खुला है फरीदाबाद में, जबकि हमारे समय में आप मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये बनाने का काम किया इन्होंने कहा। तो इस प्रकार से फरीदाबाद शहर को 5 तरफ से टोल लगता है, टोल लगाओ टोल लगाओ टोल लगाओ। अरे टोल तो एक लगा लो, टोल तो लगा लो लेकिन काम तो कर लो। तो ये फरीदाबाद की स्थिति हो गई है आपकी। आपका जो मेट्रो जहां छोड़ के गए थे वहीं छोड़ दिया। तो सरकार ने किया किसका है? किसान के लिए कहा कि 2022 तक हम जो है किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। खाद की कीमत, कीटनाशक दवाई की कीमत, डीजल की कीमत, पहले बोर्ड लगे होते थे आप फरीदाबाद में, जब दिल्ली से कोई आता था तो बोर्ड लगा हुआ था फरीदाबाद में कि हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल दिल्ली से सस्ता। आज क्या लगा हुआ है? दिल्ली के पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है कि दिल्ली में फरीदाबाद से हरियाणा से सस्ता डीजल। तो ये तो स्थिति हो गई, आमदनी तो दुगनी कहां से होगी। इसी प्रकार से गरीब आदमी का, जिनका हमने 100-100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए, भाई सारा बैठा फरीदाबाद। एक आदमी बता दो इस सरकार ने किसी को, एक किसी गांव का नाम बता दो एक गज प्लॉट दिया हो तुम, 100-100 गज के प्लॉट दिए हमने गरीब आदमी के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहले स्कूल से पहली जमात से शुरू करी, इन्होंने उस बंद करने का उसका काम किया। अब कहते राशन की बात, हमारे समय में 35 किलो राशन मिलता था, जैसे बताया 1 रुपए, 7 मिट्टी का तेल, चीनी और चीजें मिलती थी। आज क्या मिलता भाई? आज तो एक और काम अजीब सरकार, ऐसी सरकार ने देखी। आज क्या कह रहे हैं कि जो राशन कार्ड कटवाएगा, शिकायत लगाएगा, उसको 500 रुपए इनाम देंगे हम, ये इनकी पॉलिसी है। अभी परसों अखबार में पढ़ा था मैं। अरे बनाने का काम है, काटने का काम है। तो स्थिति आपकी, क्या वायदा इन्होंने किया क्या नहीं किया मेरे को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को तकलीफ है कि हरियाणा फिसल गया अपनी जगह से। बेरोजगारी में फरीदाबाद सबसे ज्यादा नंबर एक है, हरियाणा नंबर एक है, हरियाणा में फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा यहाँ फरीदाबाद में, सारे आंकड़े देख रहा था। तो अब सवाल ये है आपके सामने, आपने इनका देख लिया, हमारा भी समय देख लिया, तोलना आपने, लेकिन एक बात है कि आपसे पूछ सकते हैं जब आप जाओगे कि भाई ये तो बात ठीक है लेकिन अब के कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये क्या करेगी। तो मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो भाई सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे हम। और ये हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, इनको खाना पकाना पड़ता है। जो गैस का सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए का था, अब 1,150 रुपए का हो गया। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। कर्मचारी हैं, कर्मचारी रोज एजिटेशन कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने अपने सरकारों में कर दिया, तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होगी। और एक पहले तो इन्होंने एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, जो हमने बिजली बनाई
वो भी बस उसमें भी कमाने में लग गए और इसका नतीजा ये हुआ कि बिजली बहुत महंगी हो गई। गरीब आदमी जो बिजली का बिल ही कमर तोड़ देता है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से जो 100-100 गज के प्लॉट थे वो जो स्कीम उन्होंने बंद कर दी वो फिर से शुरू करेंगे और गरीब आदमी के लिए मकानों का काम बनाने का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये टोल का तमाशा जो हो रहा है फरीदाबाद, ये टोल भाई 5-5 टोल नहीं लगेंगे। हमारे 2005 में बना तो कई जगह लगा हुआ था, पहले से कुरुक्षेत्र में था, हमने दिया कि भाई ठीक है जितना बर्दाश्त हो उसका उतना करो, इधर से आएगा उस पर भी टोल, इधर से आएगा उधर से भी टोल, उधर से जाएगा उस पर भी टोल, टोली टोल टोल है यहाँ पर। और मेट्रो जहां हम छोड़ के गए थे एक पोल नहीं लगाया। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आज कह रहा हूं आपको, जो हमारी स्कीम थी पहले रोड बनाई फरीदाबाद और गुड़गांव की, तो आज आप सबके सामने है ये बातें। ये सरकार, इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो गया। आज सवेरे जब ये हो रहा था तो मैंने टेलीफोन किया ललित नागर जी को, हमारे साथी हैं इतनी मेहनत करते हैं यहाँ। मैं कहा भाई क्या पोजीशन, 10 बजे तक तो बारिश हो रही थी यहाँ पे, फिर इनका आया कि आप आ जाओ जल्दी से भर गए। मैं कहा इतनी जल्दी कैसे भर गए, अभी तो बारिश हो रही थी। लेकिन मैं यहाँ आया तो खचाखच मेरा, इतनी बारिश में सर्दी में ये इतनी लोग आए हैं तो ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत है भाई। वो देखी मैंने, मतलब देखा ना, अग्नि परीक्षा भी देख ली हमने भाई, रैलियां करी, अगली परीक्षा भी देखी, खूब गर्मी में भी देखी हमने, सर्दी में भी देखी, ये बारिश परीक्षा यहाँ देख ली भाई हमने। तो जब ये लोग इस परीक्षा में जा रहे हैं तो क्या संकेत है, ये एक साफ संकेत है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये 7-8 से संकेत जन संदेश लेके जा रहा हूं और फरीदाबाद से आवाज उठी है पूरे प्रदेश में जाएगी। अरे हमारे यहाँ आपके हलके में कितना काम किया इन्होंने, ललित नागर जी ने कितना करवाया हमारे से। और जब ये विधायक थे विपक्ष में थे, मैं भी विपक्ष में था, रोज रोज वहां पे खड़े रहते थे विधानसभा में। ऐसे कर्मठ आदमी अगर यहाँ विधायक होते तो अब के हमारे साथ और मजबूती से रहते, क्या पता सरकार बन जाती आप फरीदाबाद करते। तो भाई ऐसे तो बहुत मजबूत साथी आपके यहाँ पे, और आज जो आप आए हैं मैं आपका आभारी हूँ। इस मौसम में जिस प्रकार से आए हैं ये साफ संकेत दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों ने 5 घंटे दिए, मैं 10 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाओगे भाइयों, साथ दोगे ललित नागर जी का, बैठ जाओ। टेंट के पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं, आपकी कुर्सी